मंगलवार सुबह तक अटकलें लगाई जा रही थी कि बुधवार को बीजेपी विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करेगी, लेकिन कुछ ही घंटों में खेल बिल्कुल बदल गया और बीजेपी का साथ देने वाले एनसीपी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके करीब एक घंटे बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। उसके तुरंत बाद फडणवीस राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के पल पल बदलते घटनाक्रम ने कम से कम ये तो साबित कर ही दिया था कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि गोवा, मणिपुर और हरियाणा में सरकार बना लेने वाली बीजेपी से आखिर महाराष्ट्र में कहाँ चूक हुई। एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि रणनीतिक के तौर पर ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ये सबको पता थी कि जनादेश बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन जब शिवसेना पीछे हट गई तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया और उसने सीधा राज्यपाल से जाकर कह दिया कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद बीजेपी को लेकर पूरे देश में और महाराष्ट्र में एक सहानुभूति थी कि पार्टी का व्यवहार सम्मानजनक रहा है, लेकिन अजीत पवार के साथ मिलकर जो बीजेपी ने किया उससे उसने वो सहानुभूति भी खो दी और प्रतिष्ठा भी खो दी। उसके साथ ही अमित शाह की जो छवि बनी थी कि वो बहुत बड़े चाणक्य हैं, रणनीतिकार हैं, कभी फेल नहीं होते हैं, वो भी छवि उनकी टूट गई। बीजेपी का हाल कुछ ऐसा हुआ कि न खुदा ही मिला और न विशाले सनम, यानी वो न इधर के रहे और न उधर के, उसे हासिल कुछ नहीं हुआ लेकिन नुकसान बहुत कुछ हुआ है जिसकी भरपाई बहुत जल्द नहीं हो सकेगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी गलतियां जो कि उन्होंने की है। पहली गलती, एनसीपी से दूरी बनाई। चुनाव के बाद की हलचल को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी से पहली गलती वहां हुई जब विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस गया था। इस मामले में उस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा था कि राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और इसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं है। शरद पवार की एनसीपी ऐसी पार्टी थी जो महाराष्ट्र में बफर की तरह काम कर रही थी। जब शिवसेना का दबाव होता था तो एनसीपी बीजेपी के मदद के लिए आ जाती थी। 2014 में जब बीजेपी के लिए बहुमत साबित करने की बारी थी तो एनसीपी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था। चुनाव के दौरान वो पुल बीजेपी ने जला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब शिवसेना ने साथ छोड़ा तो कोई बीजेपी के साथ नहीं था। दूसरी गलती, अजीत पवार पर भरोसा। बीजेपी ने अजीत पवार के रूप में एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसको वो 5 साल कर भ्रष्टाचारी बताकर उसके खिलाफ जांच शुरू करके ये बताते रहे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी पर भरोसा किया जो एक तरह से चोरी करके लाई गई थी। शुरू से ही अजीत पवार की स्थिति बहुत ही संदेहास्पद थी कि उनके पास कितने नंबर हैं। बीजेपी ये आकलन करने में नाकाम रही कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सिर्फ उनकी बात पर भरोसा कर लिया था। पार्टी के पास कोई प्लान बी नहीं था। अजीत पवार जितने विधायकों को लाने का दावा कर रहे हैं उन्हें न ला पाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तीसरी गलती, पवार परिवार को समझ नहीं पाई बीजेपी। एक बड़ी गलती शरद पवार और अजीत पवार के रिश्तों को समझने में हुई। ये दोनों एक परिवार के लोग हैं। बीजेपी ने ये आकलन लगा लिया था
कि सत्ता में आने की कोशिश में ये परिवार टूट जाएगा। बीजेपी ने ये आकलन नहीं लगाया कि परिवार में एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, जो कि परिवार से अलग होने वाले व्यक्ति पर बहुत बड़ा मानसिक दबाव डालता है। अजीत पवार को समझना परिवार के लोगों के लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें एनसीपी शिवसेना कांग्रेस गठबंधन में ही भी मिल रहा था और बीजेपी के साथ जाने पर भी इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। इसलिए परिवार भी तोड़े, पार्टी भी तोड़े और जो मिल रहा है वो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अजीत पवार के लिए ये कोई लाभ का सौदा नहीं था। शायद उनके परिवार के लोग उन्हें ये समझाने में कामयाब हो सके। चौथी गलती, शरद पवार की ताकत को कम समझना। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ताकत को बीजेपी ने कम आंका, ये उनकी बड़ी गलती थी। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस आने के बाद जिस तरह उन्होंने पलटवार किया, उसके बाद बीजेपी को कम से कम 15-20 सीटों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में खासकर मराठा राजनीति में शरद पवार अभी भी बड़े नेता हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है और ये शरद पवार ने पूरी तरह से साबित भी कर दिया। लेकिन बीजेपी ये बात समझ नहीं पाई। शरद पवार से बीजेपी का और प्रधानमंत्री मोदी का लंबा नाता रहा है। मोदी खुद मान चुके हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो बीच बीच में शरद पवार को फोन करते थे और प्रशासनिक और राजनीतिक मसलों पर उनसे सलाह भी लेते थे। लेकिन ये दोस्ती क्यों टूटी, क्या उसका आधार था या उससे क्या मिला, अब ये समझना मुश्किल है। शरद पवार एक अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। 1978 में वो अपने राजनीतिक गुरु बसंत दादा पाटिल से बगावत करके कांग्रेस से अलग हुए और मुख्यमंत्री बन गए। उस समय वो सिर्फ 37 साल के थे। उसके बाद वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ध्रुव तारा की तरह स्थापित हो गए। कभी कांग्रेस में आए, कभी गए, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। जो पार्टी उन्होंने बनाई उसे 2 दशक से अधिक समय हो गया है। उनकी पार्टी आज महाराष्ट्र में कांग्रेस से बड़ी पार्टी शक्ल अख्तियार कर चुकी है। अपने जनाधार को वो बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। वो राजनीतिक रणनीति को समझने वाले दिग्गजों में शामिल हैं। उन्हें समझ आता है कि क्या करना है और क्या नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 80 साल की उम्र के शरद पवार ने अपना जुझारूपन दिखाया है। चुनाव के दौरान बारिश में खड़े होकर उनके भाषण देने की एक तस्वीर ने चुनाव का रुख बदल दिया था। पांचवी गलती, बीजेपी का धैर्य खोना। राज्य में सरकार गठन के मामले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शामिल करना बड़ी गलती थी। अगर ये काम सामान्य तरीके से होता, कैबिनेट की बैठक होती, उसमें राष्ट्रपति शासन वापस लेने का फैसला होता और फिर शपथ ग्रहण होता तो शायद पार्टी की उतनी बदनामी न होती। फिलहाल यही बातें हो रही हैं कि ऐसी क्या जल्दी थी कि सारे काम आधी रात को हुए। प्रधानमंत्री को इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करना पड़ा और ये फैसला लिया गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पार्टी की कोई तैयारी नहीं थी। शायद सामान्य तरीके से सब कुछ होता तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जाता। कोर्ट में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का यही कहना था कि सरकार को गलत तरीके से शपथ दिलाई गई है, इसे बर्खास्त किया जाए। उनका सवाल ये भी था कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी कि देवेंद्र फडणवीस को सुबह 8 बजे शपथ दिलवाई गई। जब ये बहुमत का दावा कर रहे हैं तो इसे साबित करने से क्यों बच रहे हैं। छठवीं गलती, कांग्रेस शिवसेना एनसीपी को खुद पास लेकर आई। बीजेपी ने इन तीनों पार्टियों को भरपूर मौका दिया कि वो अपने आपसी मतभेद को मिटाकर साथ आएं और उनसे लड़ें। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने सारे मतभेद को भुला दें और एक हो जाएं, क्योंकि
के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया था। बीजेपी के पास एक मौका था कि अगर एनसीपी के साथ ही गठबंधन करना था तो उन्हें सीधे शरद पवार के साथ बात करनी चाहिए थी। उनकी शर्तों को मानकर अगर बीजेपी ने गठबंधन किया होता तो सरकार भी चलती और शिवसेना को भी उनकी जगह दिखा सकते थे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें गलती फडणवीस की थी या फिर बीजेपी पार्टी की। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए देवेंद्र फडणवीस अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते हैं। जो हुआ उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है। पहला तो ये कि महाराष्ट्र कोई छोटा राज्य नहीं है और दूसरी ये कि कर्नाटक में बीजेपी यही गलती कर चुकी है। अगर आप शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को बनने देते तो ये सरकार अपने अंदरूनी मतभेदों के कारण गिर जाती और बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति होती। दोबारा चुनाव होते तब भी भाजपा के लिए बेहतर होता और अगर चुनाव न भी होते तो भी बीजेपी को लाभ होता। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है उससे बीजेपी को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। देवेंद्र फडणवीस की छवि को इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे थे जिन्हें महाराष्ट्र से भविष्य के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों में उन्हें सबसे बेहतर और दिल्ली के अधिक करीबी माना जा रहा था। उन्हें पार्टी हाईकमान से जैसा समर्थन मिल रहा था उतना किसी और मुख्यमंत्री को कम ही मिला है। लेकिन जो कुछ हुआ उससे उनकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक समझ को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में वो किसी भी कीमत पर और किसी से भी गठबंधन कर सत्ता हासिल करने वाले नेता के रूप में सामने आए हैं।